नमस्कार, मैं हूं इंदु आहूजा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस चैनल पे। जय श्री महाकाल दोस्तों। इंदु मैम को मेरा प्रणाम। दोस्तों मैं उषा ग्वालियर से और आज मैं इंदु मैम की बताई हुई रेमेडीज के बारे में कहना चाहूंगी अपनी बात। वैसे तो इंदु मैम की रेमेडीज, सभी रेमेडीज जो मैम बताती हैं, बहुत ही लाभदायक होते हैं, बहुत ही यूज़फुल होते हैं, बशर्ते कि उन्हें पूरी शिद्दत से और पूरी ईमानदारी से और पूरे विश्वास के साथ अगर किया जाए, जैसा मैम बताती हैं, धैर्य के साथ अगर किया जाए तो 101% वो काम करते हैं। मैं तो मैम को हमेशा फॉलो करती हूँ। जब से मैंने मैम की वाटर थेरेपी जो मैम ने बताई है वो काम किया हुआ है, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी, मैम को भेजी थी। और जब भी मुझे मेरे काम बनते हैं तो मैं मैम के लिए बोलती हूँ। बताने से ये होता है कि जो भी और भी लोग हैं जिन्हें धैर्य नहीं होता है, जो हमेशा मैम के ये बोलते हैं कि मैम हमने ये तो किया था बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा तो किया था मैम, आपने जैसा कहा था वैसा तो किया था, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है। हम कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं या फिर हम धैर्य नहीं रखते या हम विश्वास नहीं रखते या फिर हम उसमें करते में कुछ ना कुछ हमसे गलती हो जाती है। तो यहाँ पर मैं मैम की रेमेडीज के बारे में बताना चाहती हूँ जो अभी मैम ने कुछ टाइम पहले गणेश चतुर्थी पर 10 सितंबर की जो रेमेडीज थी वो बताई थी। और वो मैंने और मेरी फ्रेंड जो फ्रेंड्स ग्रुप है उन सबने की थी। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स थी और मेरी जो प्रॉब्लम्स थी उसमें मुझे लाभ मिला और मेरा काम बना, उसी के बारे में मैं यहाँ पर मैम को धन्यवाद भी कहने के लिए आई हूँ। और मेरा जो काम बना है, जो मेरे और भी मैम से जुड़े हुए जो मित्रगण हैं उनके लिए भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि धैर्य रखो। मैंने 10 सितंबर को जो मैम ने रेमेडीज बताई थी कि हमें गणपति बाबा को अपने घर में स्थापित, जो लोग करते हैं या फिर नहीं करते हैं, जो लोग घर में स्थापित करते हैं उनके सिंहासन के नीचे, बाबा के सिंहासन के नीचे हमें अक्षत यानी कि चावल के साथ साथ अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, हल्दी शादी के लिए, पैसे की प्रॉब्लम्स के लिए पैसे, जो भी और भी हमारी मनोकामना हो एक से अधिक, तो उसके लिए हमें कागज़ पर लिखकर अपनी प्रॉब्लम्स रखना है, या फिर हमारी पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमें, या फिर हमारी हेल्थ की इशू है तो हमें उससे रिलेटेड हमें वहाँ पर दुआ रखना है। तो मैम ने ये सारे अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग मैम ने उपाय बताया था, तो मैंने भी अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग मैंने वहाँ दो चीज़ें, पहली थी मेरी मनी प्रॉब्लम्स जो मेरी प्रॉब्लम्स थी, और दूसरी थी मेरी मैरिज लाइफ, मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही थी, लव लाइफ में हमारी शादी की प्रॉब्लम्स आ रही थी, हमारी फैमिली मेम्बर्स जो थे वो थोड़े से मान नहीं रहे थे। मनी प्रॉब्लम्स में मेरी ये आ रही थी कि मेरे को 1-2 साल पहले से मैंने लोन को अप्लाई किया था, लोन का अगर मैं बैंक वालों के पास जाऊँ तो बैंक वाले बोल रहे थे कि हमारे पास में आपकी कोई लिस्ट नहीं आई है, और मैं जिनके थ्रू मैंने फॉर्म भरा था जाकर मैं बोलती तो वो बोलते कि मैं यहाँ से तो आपकी लिस्ट बैंक में पहुँचा दी है। मैं बड़ी प्रॉब्लम्स में थी कि मैं क्या करूँ, उनके पास जाऊँ तो वो बोलते हैं, और मेरे पास मैसेज भी आ चुका था, जिनने फॉर्म भरा था उनके पास तो मैं रजिस्टर्ड हो चुकी थी और मेरे पास मैसेज आ गया था मोबाइल में, और उनका तो कोई काम नहीं, कि बैंक वालों के पास जा रहे हैं और बैंक वाले बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास तो कोई लिस्ट आई नहीं है तो हम क्या करें। अब मैं बड़ी प्रॉब्लम्स में थी, 1 साल हो गया, 2019 के लास्ट में मैंने ये फॉर्म भरा था, 19 और 2020 के समथिंग 1 साल हो गया था, मैं थकार कर बैठ गई। मुझे लग रहा था रहने दो, किस्मत में अगर होगा, मैंने तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, ये वो थकार कर बैठ गई थी। मुझे गुस्सा सर, और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, पैसे की भी बहुत ज़रूरत थी मुझे, मैं क्या करूँ। अब विश्वास नहीं मानोगे, 10 सितंबर को 2 दिन पहले मैंने मैम की ये रेमेडीज मेरे मोबाइल पर आई, मैंने वो रेमेडीज सुनी, देखी, और मेरी जेब में आप विश्वास नहीं मानोगे 10 रुपए थे। अब मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी कि मैं क्या करूँ, आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे पास पैसा भी नहीं था, अब मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। फिर मैंने मैम की 10 सितंबर के 2 दिन पहले मेरे पास में ये रेमेडीज आई और मैंने मैम की रेमेडीज देखी,
सुनी और मैंने उसे किया अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। दोस्तों 10 तारीख को मैंने ये रेमेडीज की है पूरे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, और गणपति बाबा से मैंने दिल से दुआ की, मैं ये रेमेडीज कर रही हूँ पूरे विश्वास के साथ कर रही हूँ, इन 10 दिनों में आपको चमत्कार दिखवाना है। आप जानते हो कि मुझे मेरी प्रॉब्लम्स जो है वो आपको दूर करनी है बाबा, आप विश्वास नहीं मानोगे दोस्तों। 10 तारीख से लेकर मुझे 2 या 3 दिन हुए होंगे, 12 या 13, मेरे पास में अपने आप फोन आ गया, अपने आप। और मैं गई, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाए, आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो मैं गई, और मेरे पास में 17-18 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। मैं क्या बताऊँ, तेंदू मैम का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मैम ने मेरी प्रॉब्लम्स दूर कर दी, मैं बहुत परेशान हूँ। और दूसरी बात, एक और बात, जो प्रॉब्लम्स हमें 3 साल से हम लोग अपनी मैरिज लव मैरिज में प्रॉब्लम्स कर रहे थे कि हमारे घर वाले नहीं मान रहे हैं शादी के लिए, एकदम से मेरे पास में इनका फोन आया। 19 तारीख से पहले बोल रही हूँ, मेरे तो गणपति जी बाबा को विसर्जन भी नहीं किया, विसर्जित भी नहीं किया मैंने बाबा को, तो 19 तारीख से पहले ही मेरे पास में फोन आ गया कि हमारे घर वाले आपसे मिलना चाहते हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स आपसे मिलना चाहते हैं। दोस्तों मैं विसर्जन के बाद में मैं गई, जैसा कि मैम ने बोला था कि जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो जाए आप किसी भी चीज़ को मंदिर में ही रखी रहिए, उन्हें आप रखिए मत, तो अभी तक वो मेरे पास मंदिर में रखी हुई है। और दूसरी बात, फिर मैं मिलने गई और फाइनली हम लोगों की शादी तय हो गई है, हमारे घर वाले मान चुके हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू इंदु मैम, थैंक यू वेरी मच रियली। मैं तो मैम पर बहुत भरोसा करती हूँ और मैम की हर एक रेमेडीज को तहे दिल से, पूरे विश्वास, पूरी उम्मीद और पूरे सच्चे दिल से करती हूँ, धैर्य के साथ करती हूँ। तो दोस्तों मैं आपसे भी हाथ जोड़ कर मेरी विनती है कि आप भी मैम की रेमेडीज़ को पूरे तहे दिल से, विश्वास के साथ, धैर्य के साथ करें और उन लोगों तक पहुँचाएँ जिन्हें इसकी ज़रूरत है। क्योंकि तो मैंने जैसे ही मैम की वाटर थेरेपी की थी और मुझे मैम की रेमेडीज से लाभ मिला था, तो मैंने अपने सारे फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर किया और आज मेरी फ्रेंड्स भी इस रेमेडीज़ को करती है। इंदु मैम को फॉलो किया है उन्होंने, सब्सक्राइब किया है उन्होंने, इंदु मैम की हर एक रेमेडीज़ को वो देखती हैं, करती हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग होती हैं, जिसे वो कर सकती हैं वो करती हैं। उन्होंने भी किसी और को शेयर किया था, वो मेरे से थैंक्स बोलती है ना, तो मैं उनसे बोलती हूँ मुझे थैंक्स मत बोलो, थैंक्स मत बोलो, बस आप मैम को फॉलो करके और लोगों तक शेयर करो, यही मेरे लिए थैंक्स के बराबर है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं प्रॉब्लम्स में थी, मुझे जो प्रॉब्लम होती हैं मैं मैम की करती हूँ रेमेडीज, छोटी से छोटी, चाहे मेरी हेल्थ इशू हो, चाहे मेरी मनी प्रॉब्लम हो, चाहे मेरी लव लाइफ हो, चाहे मेरी मैरिज लाइफ हो, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, जहाँ मेरा विश्वास, जहाँ मैं उम्मीद खोने लगती हूँ, वहाँ मैम की रेमेडीज़ मुझे, मैंने की और अपनी प्रॉब्लम्स दूर की। आप भी करें और लोगों को भी शेयर करें। जय श्री माँ का।